हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का फिर से एक बार। तो आज बना रहे हम कुछ टेस्टी यम्मी सा, जी हाँ, वाइट सॉस पास्ता, जो सबको अच्छा लगता है। तो चलिए साथ मिलकर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है पानी, उसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ। और ये कुछ इस टाइप का मैंने पास्ता लिया है, आप चाहे तो कोई भी पास्ता ले सकते हैं। और इसे अब हम बॉईल कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर इसे हमें ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि अगर ये ओवर कुक हो जाएगा पास्ता तो ये टूट भी सकता है और चिपक भी सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ढककर। और आप देख सकते हैं हमारा जो पास्ता है वो अच्छे से पक रहा है, बॉईल हो रहा है। बीच में हम चेक करते रहेंगे। और ये देखिए, अभी ये कच्चा ही है। फिर से हम इसे थोड़ी देर के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। और इस स्टेज पर जो हमारा पास्ता है वो कुक होकर रेडी है। अब एक स्टेनर में हम इसे छान लेंगे इस तरीके से, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो सारा निकल जाए। और आप चाहे तो पास्ता को ठंडे पानी से वॉश भी कर सकते हैं। और इस तरीके से हम चेक कर लेंगे, जी हाँ, तो हमारा पास्ता बनकर रेडी है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर पैन पर एक क्यूब बटर का ले रही हूँ, इसे हम पिघला लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ हैं जो मैंने चॉप करके रख दी थी। तो आप अपने मन के हिसाब से कोई भी सब्जी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्रोकली हो गई, मशरूम हो गए, स्वीट कॉर्न हो गया, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर जो लहसुन है वो बारीक चॉप किया था, वो मैंने बटर में ऐड कर दिया। फिर मैं यहाँ पर प्याज ले रही हूँ, उसके मैंने थोड़े से बड़े वाले टुकड़े चॉप किया था, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसे भी हम थोड़ा सा पका लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च और बेल पेपर, येलो और रेड मैंने लिया है। आप अपने मन के हिसाब से कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं। तो मैंने इसे भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। और इसे थोड़ी देर के लिए हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारी सब्जियां है वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी से मैं काली मिर्च का पाउडर यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। देखिए, ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे ना इसका टेस्ट, जो पास्ता का हमारा टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद यहाँ पर ये मैंने ओरिगेनो लिया है, और ये है चिली फ्लेक्स। बस इसे भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए ही पकाएंगे, इसे हमें ओवर कुक नहीं करना है। जो हमारी सब्ज़ी है वो बहुत ज़्यादा पकनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो सारी सब्ज़ियाँ है वो पक कर रेडी है। इस स्टेज पर जो हमारा पास्ता हमने बॉईल करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, ये आपस में चिपका भी नहीं है, क्योंकि मैंने इसे ठंडे पानी में वॉश कर लिया था। और एकदम खिला खिला सा है हमारा पास्ता। तो अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से जो सारी सब्जियां। और यहाँ पर जो हमारा पास्ता है वो बनकर रेडी है, हमें इसे एक मिनट के लिए ही पकाना है। तो दूसरी साइड मैं एक पैन पर यहाँ पर दो क्यूब बटर के ले रही हूँ। उसे पिघलाने के बाद मैं यहाँ से 2 से 3 चम्मच मैदा ले लिया है, इसे ऐड कर देंगे। अब जो हमारी गैस की फ्लेम है उसे हमें बिल्कुल ही धीमी आंच पर रखना है। और इस जो मैदा है हमारा वो हमें बटर में ऐसे अच्छे से भूनना है, सेकना है, ठीक है। इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो उस स्टेज पर हम इसमें देखिए, यहाँ पर अभी ये थोड़ा सा कच्चा है लग रहा है, तो इसे थोड़ी देर के लिए और हम भूनेंगे। और अब ये परफेक्ट भून चुका है, उसी तेज पर मैं यहाँ पर दूध ले रही हूँ, ठीक है। उसी स्टेज पर हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे,
थोड़ा थोड़ा सा, देखिए एक ही साथ में हमें मिल्क ऐड नहीं करना है, वरना कई लोगों की फरियाद आती है कि जो लम्स इसमें रह जाते हैं वाइट सॉस में। तो अगर आपको अपना वाइट सॉस परफेक्ट जाए, क्रीमी टेक्सचर में जाए, तो प्लीज़ आप थोड़ा सब्र रखिए और थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड कीजिए, उससे इसमें लम्स नहीं रहेंगे। थोड़ी मेहनत तो लगेगी बट आपका जो वाइट सॉस है वो अच्छे से बनेगा। और बस देखो जो हमारा वो मैदा है वो एकदम दूध में अच्छे से घुल गया है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक क्यूब ले रही हूँ चीज़ का, उसे मैं ग्रेट करके इसमें डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा चीज़ पसंद है तो आप दो क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किया है और ओरेगानो, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो हमारा वाइट सॉस पास्ता है वो कितना परफेक्ट बना है। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से बनाएगा तो एकदम परफेक्ट बनेगा। और इस स्टेज में यहाँ पर मैं इसमें जो हमारा पास्ता है वो ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर देखिए आपको पास्ता में बहुत ज़्यादा वाइट सॉस पसंद है, क्रीम पसंद है, तो आप उस तरीके से वाइट सॉस ज़्यादा बनाइए। ठीक है, हमें यहाँ पर थोड़ा कम पसंद है, इसलिए मैंने जो वाइट सॉस है उसे थोड़ा कम बनाया था। ठीक है, और जो पास्ता की क्वांटिटी है वो मैंने ज़्यादा रखी। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे बस हमें थोड़ी देर के लिए ही पकाना है। और जो हमारा पास्ता है वो बनकर रेडी है। चलिए इसे हम सर्व करते हैं। और देखिए बहुत ही अच्छा बना है हमारा पास्ता, आप देख सकते हैं एकदम कलरफुल और एकदम बढ़िया से बनकर रेडी है। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उसे तो ये बहुत ही पसंद आने वाला है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आती रहूँ। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।